लालू यादव और उनके परिवार के 12 ठिकानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का कोई बयान सामने नहीं आया और राजगीर में आराम फरमाते नजर आए। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या गठबंधन खत्म होने के कगार पर है। सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें भी आरोपी बनाया है। तो क्या नीतीश के मंत्रिमंडल से उनका जाना तय है? अगर ऐसा होता है तो क्या आरजेडी सरकार के साथ कदम ताल करेगी? हालांकि तमाम मामलों में सीएम नीतीश की चुप्पी सामने आई है। नीतीश अभी अपना दामन पाक साफ रखना चाहते हैं और बीजेपी से संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। सूत्रों की माने नीतीश लालू और उनके बेटे पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं ताकि वो गठबंधन में खुद को मजबूत बना सकें, और ये शानदार मौका है। कुल मिलाकर यहाँ नीतीश दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश की इमेज का क्या होगा, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। अगर वो तेजस्वी को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सिद्धांत पर उंगली उठेगी और विपक्ष इसे भुनाने से नहीं चूकेगा। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही कहते नजर आ रहे हों कि चाहे वो फांसी पर चढ़ जाएं, लेकिन मोदी को बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो मुश्किल में हैं और कभी भी जेल जा सकते हैं। ऐसे में उनकी उस रैली का क्या होगा जो 27 अगस्त को होने वाली है? एंटी बीजेपी रैली का क्या होगा? क्या सीएम नीतीश उनके साथ अब मंच साझा करेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जो वक्त के गर्भ में हैं, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।